बस उसको कर दी बैग में। अच्छा क्या कर दिया ये? जाया से। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का ये जो व्लॉग है कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया है और वो खुराफाती आइडिया है कि हम ओम पर अभी एक प्रैंक करने वाले और वो प्रैंक है कि हम डालेंगे इस बोतल से पानी पहले करो फिर करो इस बोतल से पानी डालेंगे पूरे बिस्तर में और बोलेंगे कि इसने ससु कर दी। ये हम कर रहे हैं सुसु प्रैंक। उठाओ से अबे ओम भाई। ओम 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 देख तूने आज क्या गंदी हरकत करी है। देख तूने आज कितनी गंदी हरकत करी है। देख तूने सुसु कर दी बैग में। अच्छा सुसु कर दी क्या कर दिया कच्चा भी गीला कर दिया ये मैं कर दी। ओम क्या होगा तेरा बेटा अभी इस उम्र में ये बात बैठो सुसु कर रहे हो 14 साल का हो गया है। चिच्छी छी एक 14 साल का बच्चा सुसु कर रहा है बिस्तर में यार। हद हो गई। टांग दिखा रहा है। टांग दिखा रहा है। सुसु नहीं करी। यहाँ भी गिला हो रहा है। पूरा गिला हो रहा है। नीचे गिला हो रहा है। सुसु। नीचे भी गिला हो रहा है। बेटा इसमें भी आ रही है। जल्दी जा उठ जा जल्दी जा। गद्दा खराब कर दिया इसने। हे भगवान क्या बेटा ऐसे करते है बेटा। जब सुसु आती तो सुसु करने बाथरूम में जाया करना। यहाँ पर बेड पर निकाल दिया मेरे को थोड़ी देर। ये देखो अरे भाई अरे भाई गीले में सो गया। सुबह सुबह ओम पर इतना बड़ा प्रैंक कर दिया भाई साहब। मतलब वो सो रहा था एंड सुबह सुबह मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ऐसा करते हैं आज थोड़ा व्लॉग से हटके कुछ प्रैंक करते हैं। बहुत टाइम से प्रैंक नहीं करा तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि संडे को कुछ फंडे बनाते हैं तो प्रैंक कर दिया भाई। अब गुस्से में सो गया हो और अब जब उठेगा तो उसको मनाना पड़ेगा भाई कह रहा व्लॉग में नहीं आऊंगा। बहुत टाइम बाद गाइस हमारे घर में कौन आया है? हमारे घर में आया है छुरी। छुरी कहाँ था इतने दिनों से? कहाँ था? घर था। घर था कहाँ? घर कौन सा घर? तो छुरी कहाँ चले गए आप बहुत टाइम से? लोग कह रहे थे कि छुरी कहाँ है छुरी कहाँ है छुरी कहाँ है छुरी कहाँ छुरी कहाँ छुरी कहाँ छुरी कहाँ छुरी कहाँ छुरी कहाँ है। तो छुरी ये रहा आंटी यहाँ पे छुरी ये रहा। और छुरी कहाँ गया बताओ आप? छुरी कहाँ गया? छुरी के जो मामा जी है ना इन्होंने अपना घर बना लिया वहाँ नीचे तो उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। अच्छा। और वो जो है दिल्ली जॉब करते हैं। अच्छा। तो जस्ट टेक केयर के तौर पे ये लोग वहाँ रहते हैं अब। और इसलिए छुरी की मम्मी हमारे वहाँ आती रहती हैं और छुरी भी आज संडे को हॉलीडे बनाने आया है। और छुरी में गाड़ी दिखा दे एक बार गाड़ी कैसे कैसी दिखा बिल्कुल। हाँ अब ओ गजब यार गजब। मम्मी बना के लिए है छुरी का फेवरेट पास्ता। छुरी तो मजे आ गए छुरी। अभी गए नहा के तो आ गया मैं थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े लेके भाग रहा है। कपड़े लेके भाग रहा मेरे। तेरा संडे कैसा रहा? बहुत बेकार। क्यों भाई यार क्या ही बोलूं मैं सारी चीजें मेरे ऊपर करनी होती है ना आपको भी। क्या करा मैंने? सब चीजें मेरे ऊपर करते हो भाई सब चीज सारे एक्सपेरिमेंट सारे प्रैंक सारी चीजें मेरे ऊपर। मतलब क्या समझ रहे हैं मुझे अपना एक्सपेरिमेंट का कोई सामान समझ रहा है अपना अपने ऊपर पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर तो कभी करना है नहीं मेरे ऊपर ही करना है सब। भाई अगर तेरे में दम है तो तू मेरे ऊपर भी कर देना कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई कुछ तो मेरे ऊपर ही करते हो भाई, भाई कमेंट में लिखना। भाई ये क्या भाई फोन ले ले मेरा आईफोन उठा ले और जो प्रैंक करना कर दे भाई प्रैंक तो प्रैंक होता है भाई भाई प्रैंक प्रैंक होता है ना लेकिन मेरे ऊपर ही करना हर बार। चलो भाई काम करना सुन सुन अगली बार से तेरे पर मैं कभी कोई प्रैंक नहीं करूंगा ठीक है ये मेरा वादा है ऐसा मत सोचना
तेरे ऊपर अभी बहुत प्रैंक होने वाले हैं। बी रेडी फॉर इट, बी रेडी, बी रेडी फॉर इट, बी रेडी फॉर इट। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई गाइस कि ये मैं लाया था कनेक्टर आईफोन लगाने के लिए माइक अपना, लेकिन ये तो तब यूज होगा ना जब माइक काम करेगा अपना। ये माइक खराब हो गया यार, इसको लिए हुए करीब करीब 7-8 महीने हो रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मैंने एक दिन भी नहीं कर रखा है। मुश्किल से मैंने एक दो बार ही करा है, लेकिन खराब हो गया है। तो अभी दिखाते हैं इसको ठीक करा के लाते हैं या फिर देखते क्या होता है। बस अभी पापा और मैं चल रहे हैं और दिखा के लाते अपने माइक को। हेलो 1 2 3 चेक, हेलो हेलो चेक। अब ऐसे बोलना नॉर्मल। हेलो 1 2 3 चेक। तो गाइज अभी मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो गलती थी कि बेसिकली ये माइक में दो वायर आते हैं, तो मैंने जो वायर लगा रहा था अपने फोन में वो था कैमरे वाला, अंकल कह रहे हैं, एंड ये है फोन वाला। तो अब इससे जो माइक है मेरा काम कर रहा है। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। एंड साथ में अभी अभी बहुत मोटा खर्चा हो चुका है। ये मैंने लिया है एक गोरिल्ला पॉड, एंड इसकी कॉस्ट कितनी अंकल? 8,990। बाकी डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट हो चुका है। कैसा है पांडे जी? है तो फिर गाय की दिक्कत नहीं। ये तो हमारे समझ से बाहर की चीज है, तेरे को लेना है तो ले ले। अब गाय बहुत सही लगा रहा है कि सेटअप अपना, फोन लगाएंगे आईफोन अपना और माइक ऊपर है, गोरिल्ला पॉड नीचे है। बढ़िया हो गया अंकल। तो ले लिया है मैंने गोरिल्ला पॉड, जो कि पड़ा है हमको काफी महंगा, लेकिन डिस्काउंट लग गया हमको। तो ये करीब करीब 6,000 रुपये का गोरिल्ला पॉड है। और माइक अपना ठीक था यार, माइक ठीक था अपना, लेकिन क्या करें अब, लैक ऑफ नॉलेज मेरी, कोई बात नहीं। लेकिन इसी बहाने गोरिल्ला पॉड ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब ब्लॉग होगा गोरिल्ला पॉड से अपने, और माइक लगाया ऊपर, सब बढ़िया बिंदास। अरे अरे आराम से। हेलमेट, हेलमेट तो अबे हेलमेट तो हेलमेट तो मेरा है क्या? सामान आ गया, सारा कुछ रह गया। Hey guys, welcome back to a new vlog. ये नारियल का दाना कर लिया है तू? अबे सेंड दे दो 8,000 रुपए का। वो इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको? किसको? ये जो गोरिल्ला पॉड, गोरिल्ला पॉड। तो भाई ये गोरिल्ला पॉड है, 8,000 रुपए का। नीचे का 1,000 रुपए भी आ रहा है। और ये 8,000 का लिया। ये सस्ता वाला आता है ना गोरिल्ला पॉड, वो आता 1,000 रुपए का, लेकिन ये 8,000 का है। लेकिन डिस्काउंट मिला 2,000 रुपए का, तो ये 6,000 रुपए का गोरिल्ला पॉड। 6,000 रुपए का है, लेकिन कहते हैं कम ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, जॉबी का, जॉबी जॉबी का, जॉबी हो या जॉम्बी हो, हमारे तो सभी बराबर है। ए, क्या ये आ चुका है मम्मी का? ये है मम्मी की फोटो, जहां हम गए थे रामनगर बेस्ट ब्राइड 2021 में, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड 2021 बाय टीना दत्ता। खाने में है सिंपल सिंपल दाल चावल सब्जी और प्याज भी है। क्या एक बंदा था ना, उसका 80,000 कुछ का बिल आ गया बिजली का। अच्छा, गलती से हो गया होगा कुछ प्रिंट या 80,000 का बिल, 80,000 का बिल था उस बंदे का। हाँ। वो हाई एक्सटेंशन तार में चढ़ गया ऊपर। अच्छा, कि मेरा इतना बड़ा बिल क्यों आया गया। हाँ। और दोनों पाओ से तार में फंसाए, दोनों हाथों से तार में फंसाए, वो कम से कम कुछ भी तो 100 मीटर हाई एक्सटेंशन तार में चला होगा। क्यों लेकिन मेरा 80,000 का बिल कैसे आ गया, वो तो गनीमत समझ कि उस वक्त लाइट दी थी। अच्छा। अगर लाइट होती तो हड्डियां भी नहीं मिलती। वाह रे, मतलब इतनी पावरफुल हाई एक्सटेंशन तार थी ना, वो हाई एक्सटेंशन तार उसकी हड्डियों का भी वो राग बन जाता। वाह रे, तो किस्मत देखो उसकी लाइट बंद थी। हम भी चला रहे इसी रोज है? हमारा बिल भी तगड़ा आने वाला। छत में जाऊंगा इतनी मजे में, जाके खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, तो इतना बिल आया कैसे आ गया, कैसे आ गया बताया जाए, नहीं तो अन्यथा मैं जंप मार रहा हूँ। यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, यहाँ पे है ब्रेड। तो दिन भर बैठ रहता है भाई? कहाँ बैठा रहता हूँ, जब आप कैमरा लाता तब बैठता हूँ मैं इधर, वरना अभी मैं ऊपर था। हाँ, खैर ऊपर था, फिर अभी मैं सो रहा था अंदर कमरे में। तब नहीं लेके आएंगे, जब मैं यहाँ बैठता हूँ तब बैठ लाते हैं। चाय तैयार है, चाय पीते हैं। मस्त है। हाँ मतलब पी लिए मैंने, तो चाय पी रहा हूँ अभी। शाम के बज रहे कुछ 6:11 एंड AC चल रहा है। पापा समझ गए अरे ये रहा शाम का मौसम। यहाँ पर है चुलबुल,
क्या कर रहा है चुलबुल? और साथ में यहाँ पर ओम भाई कर रहे हैं गेमिंग। कौन सा गेम खेल रहा है? फ्री फायर। इतना गेम मत खेल, छत में आए हैं, छत में वादियों का आनंद ले, पहाड़ देख, सामने सामने पहाड़ है। दे दो मुझे, मेरा मूड वैसे खराब है, हाथ दे दो। क्यों क्या क्यों चला रहा? दे दो। क्यों मेरे को दे दो फोन? अरे दे दो ना भाई, पहाड़ देखना, पहाड़ देख भाई, दिन भर फोन लगा रहता भाई, पढ़ाई कर ले, पहाड़ देख, वादियों का आनंद ले, संडे को फंडे बना। ओए क्या कर रहा? ओए ओए मत कर 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 कह रहा हूँ मत कर। पानी डाल रहे हो? अच्छा बिल्कुल नीचे आ गए अंदर। अच्छा अच्छा, बारिश की वजह से बारिश हो गई। बारिश तो हो नहीं रही, मौसम हो रहा, फिर चेंज हो रहा, हो रहा, फिर चेंज हो रहा, हो रहा, फिर चेंज हो रहा, बारिश ही नहीं हो रही भाई। गैस असली स्ट्रगल तो गर्मियों में किचन में होता है यार, इतनी ज्यादा गर्मी है, मतलब मैं अभी अभी आया हूँ जस्ट, और मुझे इतनी गर्मी हो गई, और मम्मी पिछले आधे घंटे से आप बैठ के रोटी सब्जी सब बना रही है, मानना पड़ेगा मम्मा। बस अपना खाना रेडी। ये देखो ये रहा मलिका आम नाना जी के घर का, तो ये खाएंगे हम बिल्कुल मस्त। चुलबुल सबको देख रहा खाते हुए, खाता है नहीं, देखता रहता है। अभी गैस बज चुके रात के 12, तो बस जाते हैं सोने के लिए। और यहाँ पर ओम भाई पूरा पैक हो चुका है, क्योंकि सुबह कर दिया उसके ऊपर प्रैंक अपने भाई। अब मैं एक भी जगह नहीं छोड़ूंगा पानी डालने के लिए, कहीं से भी स्प्रे मार दे रहे पानी का। कैसा रहा प्रैंक? बढ़िया। सुबह ये भी कंफ्यूज हो गया था एक बार, संडे को आराम से उठूंगा, ऐसे कच्चा गीला कर दिया पूरा, मतलब मैं सोच रहा था ये गीला गीला सा क्या, सपने भी ऐसे आ रहे थे, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कच्चा गीला है, बाकी शरीर सूखा है पानी के अंदर। बाकी गाइस अभी करते हैं व्लॉग को एंड, अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, कुछ चेहरे पे स्माइल आया, आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज़ मच एज़ यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार है ना, तब तक के लिए बाय बाय।